तो आज हम लोग आए हैं एक और टूरिस्ट स्पॉट जो कि है कल्पना चावला तारा मंडल। यहाँ पर ये एक टूरिस्ट स्पॉट है बेसिकली भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर कल्पना चावला की याद में स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद जॉइंट कोलैबोरेशन विद नेशनल काउंसिल फॉर साइंस म्यूजियम मिनिस्टर ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर बनवाया है। ये कुरुक्षेत्र पहवा रोड ज्योतिसर तीर्थ के पास बना हुआ है। ये लगभग 5 एकड़ जमीन पर बना हुआ है और इसको बनवाने की लागत लगभग 6.5 करोड़ के आसपास आई थी। मेन गेट से एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड टिकट काउंटर बना हुआ है जहां पर आप प्लैनेटेरियम गैलरी और एस्ट्रो पार्क के लिए पर हेड 30 रुपीज़ की टिकट ले सकते हैं। और ये मंडे को ऑफ रहता है वैसे, लेकिन ड्यू टू कोविड ये संडे और मंडे दोनों डेज में ऑफ है वीकली। और जो यहाँ पे विज़िट करने की टाइमिंग्स हैं वो हैं 10:00 बजे से लेकर 4:30 बजे तक की। यह तारा मंडल भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर कल्पना चावला जी की याद में बनवाया गया था। और अब हम एंटर करते हैं और सबसे पहला जो आप देख रहे हैं वो है इंडियन एस्ट्रोनॉमी। इस पोस्टर में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है इंडियन एस्ट्रोनॉमी के बारे में। इस यंत्र के रियल स्ट्रक्चर जो है वो दिल्ली जयपुर उज्जैन वाराणसी में है, जबकि यहाँ पर एक तरफ एक मॉडल दिया गया है। इस यंत्र की मदद से हम ये जान सकते हैं किसी भी स्थान का समय और सूरज का झुकाव कितना है, इस यंत्र की सहायता से जाना जा सकता है। और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं राम यंत्र की तरफ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो ऊपर स्काई की तरफ ओपन है। इसका भी जो रियल स्ट्रक्चर है वो जयपुर और दिल्ली में है। इसमें इसका जो सेंट्रल पिलर है और जो इसका रेडियस है सर्कल का, ये दोनों इक्वल हैं। ये यंत्र मदद करता है एल्टीट्यूड और एजिमिथ को मापने के लिए। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये है वेट मशीन, और ये आपको जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उनमें आपके वेट को बताने में मदद करता है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक छोटा सा जो वेट मशीन है उस पर कुछ बटन लगे हुए हैं, जब हम उन बटन को प्रेस करते हैं अलग अलग प्लैनेट के हिसाब से तो ये वहाँ पर हमारा क्या वेट होगा उसको बताते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी पर मौसम। अगर मैं आपको इसको आसान शब्दों में समझाऊं तो पृथ्वी की धुरी और सूरज यानी कि हमारा अर्थ एक्सिस का झुकाव सूरज की तरफ जितना होगा उसी के हिसाब से हमारा मौसम बदलता है। यानी जब नॉर्थ पोल सूरज की तरफ झुकता है तो नॉर्थ पोल में गर्मी होती है, जब साउथ पोल सूरज की तरफ झुकता है तो साउथ पोल में गर्मी होती है। नेक्स्ट वी हैव सोलर सिस्टम। जो आप ये पूरी वॉल देख रहे हैं एक्चुअली ये प्लैनेटेरियम की वॉल है। इस प्लैनेटेरियम के अंदर एक शो चलता है जिसमें पूरा का पूरा सोलर सिस्टम आपको समझाया गया है। तो इसके बाहर वाली वॉल पर सोलर सिस्टम से रिलेटेड सारी डिटेल दी गई है। तो नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम इज़ द ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम ऑफ द सन एंड द ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट इट। मतलब आपको मालूम है कि जो हमारा सन है वो एक मुखिया है सोलर सिस्टम का। सूरज एक तारा है जो केंद्र में स्थित है और इसके आसपास जितने भी हमारे बड़े प्लैनेट्स हैं या उपग्रह हैं या बोने ग्रह, छोटे छोटे पिंड शामिल हैं, धूमकेतु, उल्का, ये सब इसके ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं। तो इनको मिलाकर क्या बनता है, सोलर सिस्टम बनता है। तो इसमें ये डिटेल सभी ग्रहों के बारे में इस वॉल पर बताया गया है, उनकी डेंसिटी, वो कैसे बने हैं, किन किन चीज़ों से बने हैं, सभी ग्रहों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इट्स गुड। हमारे वैसे तो 9 प्लैनेट हैं लेकिन जो प्लूटो है वो सबसे छोटा प्लैनेट है और इसलिए उसको एक जो बोने ग्रह हैं उसमें शामिल किया गया है। जो हमारे 9 ग्रह हैं मेन
उनके बारे में यहाँ पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर है खगोल प्रश्नोत्तरी या एस्ट्रो क्विज, जहाँ पर एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके सामने कुछ बटन्स दिए हैं, आप उस पर क्लिक करिए और अपने आंसर दीजिए। तो इस तरह से आप एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप उनके आंसर देखकर ये क्विज भी खेल सकते हैं। तो बच्चों के लिए काफ़ी एंटरटेनमेंट यहाँ पर है, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि है कल्पना को श्रद्धांजलि। इस सेक्शन में डॉक्टर कल्पना चावला को श्रद्धांजलि दी गई है, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक उनकी जो उपलब्धियां थी उसके बारे में इस वॉल पे बताया गया है। उन्होंने लगभग 31 दिन 14 घंटे व 54 मिनट अंतरिक्ष में बिताए थे। भारत की इस महान बेटी का जन्म 17 मार्च 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। इनको काफ़ी सारे पदकों से सम्मानित भी किया गया, जैसे कांग्रेशनल अंतरिक्ष पदक, नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक, नासा विशिष्ट सेवक पदक एक्सेट्रा। इन्होंने अंतरिक्ष की वंडर वूमन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो आप देख रहे हैं वो है टाइम मशीन, जो डिफरेंट लोकेशंस पर टाइम को बताती है। जैसे आप इस कर्सर को उस पर्टिकुलर टाइम पर लेके जाते हैं तो वो वहाँ का टाइम बताती है। ये अगला आता है राशि प्रश्नोत्तरी या जॉडिक क्विज, जिसमें आप अपनी राशि को सेलेक्ट कर कुछ क्वेश्चंस आते हैं उनका आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं हम लोग एस्ट्रो पार्क की तरफ। तो यहीं से बाहर की तरफ एक रास्ता है जो एस्ट्रो पार्क की तरफ जाता है। काफ़ी खूबसूरत पार्क बना हुआ है ये, और सबसे बड़ी बात काफ़ी नॉलेजेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। जैसे कि आप सामने एक ऑरेंज कलर की बॉल देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी बॉल बनी हुई है। उसके साथ ही साथ आप एक स्टील की बॉल देख रहे हैं, जिसे हम इस रिंग की मदद से जब देखेंगे तो हमें सिर्फ स्टील की बॉल नज़र आती है, हमें वो ऑरेंज बॉल नज़र नहीं आती, उसे पूरी तरह से कवर कर लेती है। जो ये ऑरेंज बॉल है ये सन को डिपिक्ट कर रही है, और जो स्टील बॉल है वो चंद्रमा को डिपिक्ट कर रही है, मून को डिपिक्ट कर रही है। तो जैसा कि आपको पता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में से होकर गुजरता है तो पृथ्वी से देखने पर सूर्य हमें पूर्ण रूप से नहीं दिखता, इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये सम्राट यंत्र है, जिसका मॉडल मैंने आपको अंदर गैलरी में दिखाया था। बहुत ही खूबसूरत गार्डन बना रखा है इन्होंने यहाँ पर, काफ़ी सारे रोजेज, काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ब्यूटीफुल। जो आप ये नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं ये दिखाता है कि पृथ्वी से चंद्रमा को देखने पर उसका केवल एक ही पार्ट हमें क्यों दिखाई देता है। तो आप ये देख रहे हैं, इसमें एक चेयर बनी हुई है और बीच में एक बॉल सी बनी हुई है। इस चेयर को और इस बॉल को इस तरह से दूसरी तरफ से घुमाने पर ये दोनों चीज़ें ही साथ साथ घूमती हैं, जो ये बताती हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें चंद्रमा को देखने पर वो हर बार एक ही उसका पार्ट हमें दिखाई देता है। तो काफ़ी नॉलेजेबल मैं कहूँगी ये पार्क है, और सभी को यहाँ विज़िट करना चाहिए। अभी तक का मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, बिकॉज दिस वीडियो इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। आई ट्राई टू गिव यू समथिंग गुड सो दैट यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दी एस्ट्रोनॉमी and the science. Next, ये है टाइम मशीन। ये एक वर्टिकल स्टील प्लेट है जिसपे वर्ल्ड मैप है और
टाइम के लिए नीचे एक प्लेट दी गई है, तो जब हम इस प्लेट को घुमाते हैं और वो जिस पर्टिकुलर शहर में या कंट्री में रुकती है, तो वहाँ का उस समय क्या मतलब वहाँ पे क्या टाइम हो रहा है वो ये दर्शाती है। तो बच्चों के लिए काफ़ी एजुकेशनल है, अच्छा है बच्चों के लिए। बच्चों को आप साइंस की इन्फॉर्मेशन और नॉलेज देना चाहते हैं तो इस सेंटर में ज़रूर लेकर आएँ, काफ़ी बढ़िया है, बच्चों के लिए इन्फॉर्मेटिव है। नेक्स्ट है ये चक्रव्यूह, जो एक भूल भुलैया सी बनी हुई है बीच में, तो बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी बात में अगर मैं इस पार्क की बोलूं आपको, जो ये तारामंडल है ये खेतों और इस एस्ट्रो पार्क के बीच में बना हुआ है, तो काफ़ी शांतिपूर्ण वातावरण है। शहर की जो धूल धक्कड़ ये सब कुछ है, ये काफ़ी मतलब रिलैक्सिंग, अगर यहाँ पर आते हो तो आपको बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है। साथ ही साथ आप और बच्चे दोनों ही यहाँ पर खूब इंजॉय करेंगे, और यहाँ की ग्रीनरी अप्रिशिएबल है, बहुत अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पर। आई कान टेल यू, मतलब आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना रिलैक्सिंग फील होगा ना मतलब यहाँ पर आकर, तो मतलब मस्ट विजिट है ये। और इधर एक एस्ट्रो पार्क में साइड में एक कैफेटेरिया भी बना है, जो अभी शायद कोविड की वजह से बंद है, अदरवाइज़ आप यहाँ पर कुछ चाय नाश्ता कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।